हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डिजिटल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंच गए हैं जामा मस्जिद चोर बाजार। 22 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन का दिन सुबह सुबह करीब 7 बजे हम यहां मार्केट में पहुंच चुके थे। दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपको फालतू के मोबाइल के चोंचले और नकली बनावटी वीडियोस नहीं दिखाया जाएगा। आपको दिखाया जाएगा वही चीज़ जो एक्चुअल में चोर बाजार में होती हैं। अगर आपको आना है तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जामा मस्जिद है, गेट नंबर 4 से निकलिए और यहाँ से आप चोर बाजार में एंट्री कर सकते हैं। ये है आपका चोर बाजार का एंट्री। यहाँ से आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो एंट्री करते के साथ में ही लोग बहुत ध्यान से देखते रहते हैं कहीं आप शूट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको शूट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है। जगह जगह लोग टोक देते हैं, मना करते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट हो गया है आजकल शूट करने के लिए। ये वाला एरिया जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, जूते फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बोल करके लोग बेचेंगे, लेकिन एक्चुअली वो सब ना तो फर्स्ट कॉपी है, ना सेकंड कॉपी है, ना ब्रांडेड है, बस नॉर्मल ही है और वही बोल बोल करके यहाँ पर बेचते हैं। तो जब भी आप यहाँ आएंगे तो ये एंट्री की जगह पर, हाँ हालांकि आपको बहुत सस्ते सस्ते और अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, आपको पसंद आए तो आप ख़रीद भी सकते हैं। और ये मार्केट चोर बाजार नहीं है, ये एंट्री है और ये लीगल है। यहाँ इवन अभी खेल के सामान, जिम के सामान भी आपको बिकते हुए दिखाई देंगे, इवन मिलिट्री वाले भी खरीद रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है चोर बाज़ार नहीं है, बस चोर बाज़ार की एंट्री है। तो यहाँ जब भी आप आएँ तो थोड़ा सोच समझ कर आए, संभल कर आए। यहाँ पॉकेट मार भी बहुत होते हैं, अक्सर पॉकेट मार लिया जाता है, मोबाइल जो है वो आपको गायब कर दिया जाता है। तो बहुत सोच समझ कर और संभल कर आए और भीड़ से थोड़ा दूर ही रहें, डिस्टेंस बना कर रखें, क्योंकि यहाँ भागा दौड़ी भी होती रहती है। पुलिस वाले आते हैं, भगाते हैं, दौड़ाते हैं। अभी आप देखेंगे ये गठरी में, पोटली में बांध बांध करके जूते रखे हुए हैं। ये लोग सब भागने को तैयार होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पैसा नहीं दे रखा है पुलिस वालों को, सेटिंग नहीं कर रखी है, इसलिए उसको पुलिस वाले भगाते हैं। लेकिन जो लोग आराम से बेच रहे हैं, इनकी पुलिस वाले से सेटिंग होती है, इसलिए आराम से बेच पाते हैं। आज मैं आपको जो दिखाऊंगा बिल्कुल असलियत दिखाऊंगा, वो जो बाकी ब्लॉगर्स दिखाते हैं कि मोबाइल कितने में दिया, ये दिया, वो दिया, ऐसा यहाँ बहुत कम होता है। और होता भी है तो बहुत रिस्की होता है। मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ से कोई मोबाइल खरीदें, भले ही आपको बहुत अच्छा लगता है मोबाइल देखना, लेकिन मोबाइल फिर भी मैं सलाह नहीं दूंगा। हालांकि इस वीडियो में मैं फिर भी कवर करूंगा आपको, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लैपटॉप है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाऊंगा। लेकिन वो लोगों ने शूट नहीं करने दिया है तो फिर भी मैंने जैसे तैसे कोशिश करके आपको शूट करके दिखाऊंगा और आप देखिएगा और फिर बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, जब आप जूतों को देखेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा आपको फ़र्क निकालना असली और नकली में, और यही खेल है इस चोर बाजार का। ये चोरी के जूते नहीं है, ये नए जूते हैं लेकिन बिल्कुल असली के जैसे ही दिखते हैं। और यहाँ जम करके नेगोशिएशन होता है, 1500, 1700, 1200, 1300 जैसा जूता है उसके हिसाब से ये दाम बोलते हैं और यहाँ पर नेगोशिएशन होता है। बताया जाता है कि बहुत भारी भारी नेगोशिएशन होता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। अगर उन्हें 1000 बोला तो मुश्किल से 100-200 रुपये कम करते हैं, वो भी तब जब आप बिल्कुल सीरियस होते हैं लेने के लिए तभी। अदरवाइज़ जो ब्लॉग दिखाया जाता है कि भाई 1500 रुपये के जूते 50 रुपये में दे दिए, 200 रुपये में दे दिए, ऐसा नहीं होता है। अब आप देखेंगे एक भाई साहब कई सारे अच्छी अच्छी घड़ियाँ बेच रहे थे, तो मैंने यहाँ कोशिश की दाम जानने के लिए आप लोगों के लिए। मैं सोचा कि चलो घड़ी दिखा दूँ, दाम पूछ लूँ, लेकिन चक्कर ये है कि जैसे ये कैमरा देखते हैं अपना सुर बदल लेते हैं। अभी ये 350 में बेच रहे हैं और मेरे कैमरे को देख करने के बाद इन्होंने अचानक से बोला कि सारे ब्रांडेड हैं और ये 1000 रुपये का है, 1000 रुपये से नीचे कोई भी नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, भैया कितने का दिए? भैया कितने का दिए? 100,000 रुपये। आप देखिएगा वो आराम से बेच रहा था, लेकिन अचानक से थोड़ी देर में जब उसने कैमरा देखा तो उसने कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास सारे ब्रांडेड हैं और सब 1000 से ऊपर है, जबकि उसी घड़ी को अभी उसने 350 पहले कहा उसने।
अब जो आप इलाका देखेंगे, इस इलाके से शुरू होता है असली खेल। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से आपको चोरी वाले सामान, यहाँ से आपको वो बैग में घूमते हुए मोबाइल लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के घूमते हुए लड़के मिल जाएंगे, जिनके पीछे पीछे 6-7 लड़के और मिल जाएंगे। यही यहाँ पर चलता रहता है। तो अभी आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा एरिया। दुकानदार ने जब मुझे देखा कि मैं अपने कैमरा ऑन रखा हुआ है, शूट कर रहा हूँ, तो उसने तुरंत मना कर दिया। इसलिए मुझे कैमरा जो है कभी कभी नीचे घुमाना पड़ा और कभी कभी मौका देख करके मुझे शूट करना पड़ा। और ये लोग थोड़े उग्र भी थे, काफ़ी अग्रेसिव तरीके से लोगों को मना कर रहे थे, इवन कैमरे में हाथ भी लगाते रहते कभी कभी, तो ऐसा भी हो रहा था। यहाँ पर आपको लैपटॉप भी मिल जाएंगे, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। ये लैपटॉप जो हैं हर कॉन्फ़िगरेशन के हैं। मैंने दाम भी पूछा लेकिन दाम मुझे सही नहीं लगा। चोर बाज़ार में हम आकर के इस दाम में क्यों खरीदेंगे? उससे अच्छा है कि लक्ष्मी नगर मार्केट या फिर नेहरू प्लेस में हम खरीद सकते हैं इस दाम में। आप सुनिए, देखिए, ये वाला इलाका मुझे थोड़ा सा खतरनाक लगा। खतरनाक इसलिए कि यहाँ पर हर कोने में कोई ना कोई डीलिंग चल रही थी मोबाइल को लेकर के। लोग यहाँ पर चोरी के मोबाइल बेचते हैं और बहुत चुपके चुपके बेचते हैं। कभी आप आएँ तो यहाँ पर आपको मिल सकता है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो शूट ही नहीं करने देंगे, तो मैं बात करके क्या फ़ायदा है। प्लस वो भी थोड़ा सा अब अलर्ट रहते हैं, जानते हैं कि कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद ही कभी कभार कोई दिखाता भी है। तो जगह जगह जो देख रहे हैं ना, कुछ कई जगह पर एक बंदा बैग लेके खड़ा है, उसके चारों तरफ घेर करके खड़े हैं, ये सब कहीं ना कहीं मोबाइल डीलिंग वाले लोग हैं। तो अगर आपको सिर्फ मोबाइल के लिए आना है तो इस गली में आइएगा, इस गली में आपको मोबाइल मिल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन चोरी का मोबाइल खरीदना मैंने पहले भी बोला ये सही नहीं रहेगा आपके लिए। मैं था और मेरे साथ में एक और ब्लॉगर था, और हम दोनों ही शूट करने की जब भी कोशिश करते थे और कैमरा लोग देख लेते थे, बस वो लोग बिल्कुल ही मना कर देते थे। इसीलिए मुझे बीच बीच में कैमरा जो है वो डाउन करना पड़ रहा है, और जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है मैं शूट कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए पूरा का पूरा गैंग ही है, हर तरफ जो है ये इनका गैंग है। कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग नज़र रखते हैं, तो बड़ा मतलब लगता है कि ऐसा ना हो कि इनके साथ झगड़ा हो जाए, इसलिए बचते बचाते शूट करना पड़ रहा था। आप देख भी सकते हैं, ये सामने वाली गली में ज़बरदस्त डीलिंग चल रही थी, शायद कुछ मोबाइल या हेडफोन या एयरपोड ऐसी कुछ चीज़ों का की डीलिंग चल रही थी। तो मैंने भी दूर से देखा, तो मैं भी गया, लेकिन मैं देख नहीं पाया कि एग्जैक्टली वो लोग बेच क्या रहे थे। और ये लोग बेचते कम है और भागते ज़्यादा हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है इनको पकड़ना। मतलब अगर आपके फितरत में है लोगों के पीछे भागना तब तो आप भाग सकते हैं, लेकिन मेरी फितरत में है नहीं, इसलिए मैं लोगों के पीछे भागता नहीं। मैंने दूर से देखा, समझा और उसी हिसाब से चलता बना। देखिए इस गली में भी दो लोग कुछ ना कुछ बेच रहे थे बैग में, तो मैं जा करके मैंने कोशिश की देखने की। कैमरा तो उठा नहीं सकता था, कैमरा तो उठाता तो फिर वहाँ बवाल हो जाता। फिर भी मैंने जाने की कोशिश की, देखा कि कुछ शायद दिख जाए, मैं आप लोगों के लिए शूट कर लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी मैंने इस जगह को एडिट नहीं किया ताकि आप जाएँ, तो आप बिना कैमरे के जाएँगे तो आप शायद डीलिंग कर लेंगे। यहाँ भी देखिए आई स्मार्ट वॉच के नाम पे डीलिंग चल रही है। हालांकि मुझे एक सैंडल पसंद आया था तो मैं वो नेगोशिएट करने लगा। लेकिन यहाँ भी वही दिक्कत आई, सैंडल जो था उसमें लोगो लगा हुआ था वुडलैंड का, तो बस वो वुडलैंड का बोल करके 1200-1500 रुपए बोल रहा था। नेगोशिएट किया जब मैंने समझ गया कि मैं 1200 रुपये अगर वो बोल रहा है तो कितना नेगोशिएट करेगा, तो मुझे उतना महंगा चोर बाजार में लेने की ज़रूरत क्या है, तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पर मुझे एक घड़ी पसंद आई, काफ़ी अच्छी थी, बहुत हैवी मटेरियल भी थी, लेकिन दाम पूछा तो उन्होंने बोल दिया 1200। बताइए आप चोर बाज़ार में जा रहे हैं 1200 रुपये की घड़ी खरीदने के लिए? हाँ, 300, 400, 200, 500 बोले तो आदमी सोच सकता है। 1200 रुपये घड़ी हम चोर बाज़ार में क्यों खरीदेंगे? 1200 में तो अच्छी खासी टाइमेक्स वगैरह की घड़ी जो है वो मार्केट में मिल जाती है गारंटी और वारंटी के साथ में। इसके बाद मैं गलियों से निकल कर के अब मेन मार्केट की तरफ बढ़ रहा था और कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेन मार्केट में भी बहुत भीड़ होती है वहाँ पर। तो मैं सोचा कि चलो उधर का भी शूट करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर के वीडियोज़ आपको नज़र आएंगे, और मैंने भी पिछले वीडियोज़ में उधर का दिखाया था।
लेकिन आज मैंने आपको अंदर अंदर की चीज़ें दिखाई, क्योंकि अंदर के वीडियोस बहुत कम शूट हो पाती हैं और लोग शूट करने देते नहीं, फिर भी मैंने आपको कोशिश करके दिखाई। तो अब जो हम जा रहे हैं वो मेन वाले पार्ट पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है। ये जो आप टीवी देख रहे हैं ये असली है, और उसने जो दाम रखा है उसका बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, उसने 7 से 8 हज़ार रुपये बोले। नेगोशिएट करेगा तो कितना करेगा, 4 हज़ार 5 हज़ार में देगा। अभी इसके बाद जो टीवी देखेंगे वो तो बिल्कुल ही नकली है और बकवास टीवी है, चला रखा है उसने। तो ये देखिए आप, ये नकली टीवी। ये हम एंट्री कर गए हैं अब मेन वाले एरिए में। इस कॉर्नर से शुरुआत होती है, इसके बाद जो आप इस जूते वाले के बाद में देखेंगे, कॉर्नर से शुरुआत होती है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप्स, ये सब रखते हैं। और ये भागा दौड़ी वाली जो है दुकान है, या फिर सब सॉरी ये एरिया है भागा दौड़ी वाले एरिया, यहीं पर लोग आते हैं, डीलिंग करते हैं। अक्सर आप जितने भी ब्लॉग में देखते हैं यही वाला एरिया देखते हैं, यहाँ शूट बिल्कुल ही नहीं करने देते हैं। तो मैंने भी कोशिश की लेकिन मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैंने आपके लिए फुटेज रेडी किया है। आप देखिए आपको क्या क्या दिखाई देता है। ये सारे के सारे नकली डीओ, कभी मत खरीदिएगा, आपको शरीर में बल्कि नुकसान ही करेगा ये डीओ। तो ये जो दुकान है ये आपको हर बार, आप जब भी चोर बाजार जाएंगे ये दुकान आपको मिल जाएगी। इसके पास तरह तरह के ईयरफोन्स होते हैं, और ये ईयरफोन्स अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि ये घटिया ईयरफोन्स हैं, चीज़ चोरी के नहीं है, बस ये लोकल है, लेकिन अच्छे ईयरफोन होते हैं और सस्ते भी होते हैं। बस जैसे तैसे मैंने वीडियो बनाया, देखी यहाँ के बाद तो मुझे लोगों ने वीडियो बनाने ही नहीं दिया, जहाँ भी जाता था वहाँ पर टोक देते थे, मना कर देते थे, तो बड़ा मुश्किल हुआ। फिर भी मैंने कुछ दुकानों में बनाया। ये लोग भी बहुत पुराने हैं जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में। इनके पास में आपको स्मार्ट वॉच, हेडफोन, ईयरफोन, इस टाइप की चीज़ें जो हैं, यानी कि मोबाइल एक्सेसरीज टाइप की चीज़ें जो हैं मिलेंगी, और ये हमेशा आपको चोर बाजार में नजर आएंगे, कभी घूमते हुए कभी बैठे हुए आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल एक्सेसरी में सबसे जो बेहतरीन चीज मिलती है, जो मुझे पसंद है, वो है आपको हेडफोन्स। अगर आपको स्कल कैंडी के हेडफोन पसंद है तो यहाँ पर आपको स्कल कैंडी और सोनी के ओरिजिनल हेडफोन मिल जाएंगे। देखिए मैंने अभी ओरिजिनल हेडफोन उठाया है, लेकिन दाम बहुत बोलते हैं इसलिए मन जो है वो खराब हो जाता है अक्सर। ऐसा कितना पड़ेगा? भाई ने स्कल कैंडी जो हेडफोन था उसका 1500 रुपए बताया, तो मैंने बस उल्टे हाथ से रखा और चल दिया। एक मेरे ऑडियंस ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे पुराने सिक्के खरीदने हैं, तो वो दिखाइए। तो मैंने पुराने सिक्के को शूट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शूट किया तो साइड से एक बंदा, ये देखिए साइड से बंदा मुझे देख रहा था, उसने बोल दिया कि भाई वो वीडियो शूट कर रहा है। तो वहाँ ठहरना सही नहीं था, वो झिकझिक करना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ से निकल लिया। इसलिए मैं पुराने सिक्कों को शूट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने रिस्क लेकर के शूट करने की कोशिश की। इस कोने में भी लोग जो है वो मोबाइल एक्सेसरीज की डीलिंग वगैरह करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ये पुरानी चीज़ें नहीं होती है, नई चीज़ें होती हैं नॉर्मली, लेकिन वही है कॉफ़ी है, कॉपी है या फिर वो लोकल माल होता है। यहाँ से अब चोर बाज़ार का एग्जिट आ जाता है, और आज रक्षाबंधन होने के बावजूद चोर बाज़ार लगा था, एक रिस्क लेकर के मैं आया था, और इत्तेफाक की बात है कि आज ही के दिन मैं यहाँ से निकल गया रघुवीर नगर के चोर बाज़ार पटरी मार्केट में, जिसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी या तो बना चुका हूँ और दूसरा पार्ट जो है इस ब्लॉग के बाद आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो तो नीचे तारीफ़ कर दीजिए, अगर कुछ बातें बुरी लगी हैं तो वो भी आप बता दीजिए कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतर से बेहतर आपके लिए वीडियो जो है वो
बना सकूं। और मेरे दूसरे वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि मैं जो बताता हूं वीडियो में वो असलियत है। मैं झूठी चीज़ें नहीं दिखाता, मोबाइल को लेकर के इसको लेकर सेंसेशन पैदा नहीं करता। मेरी कोशिश रहती है कि आपके पास में असली चीज़ पहुँचे। धन्यवाद।